अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आप सबको ईद मुबारक। अभी हम ईद की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। अभी हमें जो ईदी मिली थी अभी हम उसको जा रहे हैं उड़ाने के लिए बाजार में, और देखते हैं हम क्या देते हैं क्या नहीं। और शालिद भाई आपकी कितनी ईदी बनी? 1000 रुपये। तो गाइस अभी यहाँ से दुकान थोड़ी दूर है, तो अभी हम आपको वहीं पे पहुंचे दिखाए हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमें थोड़ा सामान भी लेना है घर का, सब्जी वब्जी। अब हम सामान ले रहे हैं और ये नाफे भाई अली भाई फकीरों की तरह सारों से हाथ मिला रहे हैं कि हमें ईदी दे देगा कोई। इनको शर्म नहीं आती है, फकीर है बड़े कोई। गाइस आप देख सकते हैं बाजार में कितनी रौनक है, कैमरा मैन दिखाओ। और हम आगे जाके आपको और रौनक दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको शोर आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना, क्यों यहाँ पे बहुत रश है और रौनक हुई पड़ी है। तो अभी हम थोड़ा दूर है, वो सामने दुकान है, अभी हम वहीं पे पहुंच के दिखाते हैं। और नाफे भाई मुबारक। और कितनी थी मनी आपकी? अबे छोड़ दे यार, 5000 ये कोई फेंक रहा क्यों इतनी? और भाई हसन भाई मुबारक। खैर मुबारक भाई। कितनी थी मनी? कितनी? 10000। 10000 क्यों फेंक रहा है यार? फेंकने वाले हम बंदे नहीं है यार। तो भाई इनके अबू की है वो नई कंपनी नेक्स्ट कोला जो इतनी प्रोडक्ट नहीं है। तो अभी हम और देखते हैं, आगे चीजें लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको ईद मुबारक। मैं इनका कैमरा मैन बना हुआ था, अभी मैंने कैमरे से हट गया हूँ, अभी नाफे भाई कैमरा मैन बने हैं। और अभी ये देखें शादिल भाई चीज लेने आए थे, ये पूछ देख रहे थे कि कोई हमें बोतल वोतल पिलाएगा, पर किसी ने नहीं पिलाई बोतल ना। अभी हम घर की तरफ चलते हैं, हमने खाना तो खा लिया है, अभी हम थोड़ी देर के अंदर आएंगे वापस। और राफे भाई हमें ट्रीट देंगे। हम क्यों देंगे? आपकी ईदी कितनी बनी है अभी तक ये बता नहीं रहे थी कितनी बनी। और आप देख सकते हैं रूफी भाई अपना काम कर रहे हैं, पीछे आप दिखाइए कैमरा मैन वो देखें, रूफी भाई झाड़ू लगा रहे हैं। तो गाइस ये हमारे कोनेन भाई हैं, तो ये मुर्गी मुर्गी की उस पर दुकान पे काम करते हैं। ये अभी देखे इन्होंने ईद के कपड़े भी नहीं पहन रखे, अभी इनके पास आ रहे ये काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करते, इनकी खुद की शॉप है। हाँ इनकी खुद की शॉप है मुर्गी की। अभी ये देखें ये वहीं से आए हैं। और कौन भाई कैसे रहे ईद? आप सुनो, खैर मुबारक भाई, ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक भाई। और कितनी ईदी बनी आपको? 1 रुपया भी नहीं बना भाई। क्यों? अभी दुकान पे फंसा पड़ा था। अच्छा घर नहीं गया अभी तक? अभी तक घर नहीं गया, किसी ने भी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। चलो दे देंगे, अभी तो टाइम पड़ा। भाई से ले लो। ठीक है चलते हैं हम। तो गाइस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं सामने वो जो दिविश में गाड़ी जा रही है वो हमारे भाई की गाड़ी है, और उसके अंदर आपको दिखाते हैं कौन बैठे हुए हैं। चलो चलें। तो गाइस जैसे कि हम वहाँ पे भाई के साथ जा रहे थे पास, तो भाई गाड़ी ले गई चले गए। अभी हम दूसरी तरफ से जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो चलें आ जाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये आप गाड़ियों की लाइन देखें, ये सारी भाई वालों की गाड़ी हैं। हमने इसलिए नाम भी भाई वाले व्लॉग ही रखा है सोच के। ये देखें आप कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी हैं, और आप देख सकते हैं ये भाई अभी जा रहे हैं। तो गाइस हम घर की तरफ आ चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए अब हम थोड़ी देर ये बाहर निकलते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ईद का दूसरा दिन और आज हमने सब लोगों की दाद कर रखी है, और अभी हम जा रहे हैं सामान लेने बाजार। देखते हैं बाइक बाहर खड़ी है वरना पैदल जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, आज गर्मी बहुत है, तो देखते हैं बाइक बाहर खड़ी है नहीं। शुगर है गाइस, तो गाइस शुगर है, बाइक खड़ी है और राफी बाइक पे बैठा है। राफे बाइक चलानी आती है क्या? जी बिल्कुल आती है बाइक चलानी। आपको किसने बोला मेरे को बाइक चलानी नहीं आती? मैं चलाऊं बाइक? पागल है क्या, मरवाएगा ये दिन? चल ठीक। गाइस अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें बाइक को।
नहीं रुको एक मिनट सबर करो, पहले शादी को देखे वो नाली आए या नहीं ना। चलो आगे चलो मेरे पीछे चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं शादी भाई आ रहे हैं वो देखो इधर इधर सुबह की नींद आया सुबह सबकी लगी चायल भाई आप सुबह क्यों नहीं ना सुबह सर्दी लगती है अभी ना रहे हो धूप में खड़े हो गए चायल भाई भले सुबह ना अभी ना गोरे तो बिस्तरा भी नहीं होना अपने को जैसा रंग है वैसा ही रंग है। तो भाई जो ये सामने बाइक खड़ी है ना ये कावासाकी निंजा S2 आ रही इस पे जाएंगे हम देख सकते हैं इसकी हालत कितनी अच्छी है कावासाकी ये ना दिखा रहा था हमें। और आप क्या कर रहे हो हाँ क्या और भाई राफे कितनी अच्छी बनी थी आप देख सकते हैं कितनी सारी होगी है भाई ये क्या बात है मतलब सारे भाई के ज्यादा हैं राफे भाई कम दोनों मिला के आते आते हम घर घर में जाके भी जमा कर रहे हैं तो कोई भी हम सब से लेते हैं हम सब से ही लेते हैं आप ही घर वालों ने भी नहीं वो फिर हमसे लेते ना वो लेडी वाली अभी तो आए चेक करें आप शायद भाई ना आ चुके हैं जल्दी ना कर लेना बाजार भी जाना है फिर देर हो जाएगी यार बाजार में कितना चलाना हां ना बाजार में कितना चलाना मतलब बंद करते कितने पैसे हैं शायद भाई 10 वाले दे दो एक चोर बन गया चोर भाई देखे सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ ब्लैक कलर इज वाओ फिलहाल तो सारी ब्लैक है मूवी ब्लैक है तो भाई शायद ला चुके जल्दी है जल्दी जल्दी ईद बाद में मिल लियो तो गाइस हम नासिर भाई की दुकान पे आ चुके हैं अभी वो सामान दे रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे ईद का भी पूछते हैं कि कैसी ईद गई और अभी चलो दिखाओ आप क्या कर रहे हैं वो सामान दे रहे हैं चल शायद भाई आपने गुले मतलब कपड़े पहन रखे तो गुले मत के नंगा घूम रहा है गुले मत ना पत्ते लगा के घूम रहा है पत्ते है तो गाइस हमने नासिर भाई का इंटरव्यू नहीं ले सके क्योंकि उनको रखे हैं वो सामान दे रहे हैं तो उनसे बाद में इंटरव्यू लेंगे अभी चलते हैं और सामान लेने चलो पप्पा की परियां दिख रही हैं वो पप्पा के मगरमच्छ हैं तो आए वो देखे अपनी यारी खत्म नहीं हो रही उसकी देखें अरे यार मुबारक और भाई मावे भाई मुबारक खैर मुबारक भाई कैसे हो आप कितनी दी होनी 1500 रुपए 1500 इसको शर्म नहीं आती है सबसे इद्दी पूछ रहा है अपनी इद्दी तो बता ही नहीं रहा टोटल कितनी हुई है इसकी तो ये जो है कल हम जिनसे मिले राफे भाई जो यहाँ पे खड़े हैं सामने ये उनके छोटे भाई और इनकी ख्वाहिश है मौली बने और भाई कितनी दी बनी आपकी 1100-1200 बनी थी 1100-1200 मतलब 2300 ओके गाइस हम सामान लेकर आ चुके हैं अरे शादी भाई तो देखो कैसे जा रहे हैं चमकते हुए ठुमका लगा रही है ओके गाइस हम सामान लेकर आ चुके हैं और आप नाफे भाई को देख इतना तो भारी भी नहीं है हाँ जी हेलो गाइस कहाँ पे जाना है अभी तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और आधे गेस्ट आ गए और आधे गेस्ट आने वाले हैं जब अभी हम थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और हम बाहर कब से घूम रहे हैं सामान ला रहे हैं तो अभी हम आपसे जब ही मिलते हैं ठीक है तो आज अभी आज मेहमान आ गए थे उनको हमने खाना खिला दिया और अभी आज मेहमान आए उनको अभी खाना खिला रहे हैं अंदर गए और ये शायद भाई आ गए आइसक्रीम आइसक्रीम ले गए और अली भाई कितनी खर्ची बनी मेरी तकरीबन 1600 रुपये बनी है
आज आप पूछ रहे हो मोबाइल में लगा क्या कर रहा हूँ, तो आज मेरा भी चैनल है स्केचिंग एन, मैं स्केचिंग की वीडियो छोड़ता हूँ, जाके आप लोग सब्सक्राइब करें और मैं भी उसकी वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसलिए मशहूर हूँ। अभी मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, अभी के लिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आधे गेस्ट आ चुके हैं और आधे रह रहे हैं और अभी आएंगे, तो हमने आपको दिखाया अंदर वो बैठे हुए हैं और अभी हम थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलेंगे जब सारे आ जाएंगे। तो इसके लिए तो आए थे, अभी हमने सब लोगों को खाना खिला दिया है। हमारा हाल वही है जो वो क्या नाम है हॉल के अंदर वेटर्स का होता है, पहले दूसरों को खाना खिलाओ, फिर जो एंड में बचेगा वो बचेगा है। तो अभी खाना शुरू करते हैं। अम्मा ग्लास ले लो क्या? अली भाई कैसा लगा खाना? अच्छा लगा, मेरे को बहुत भूख लग रही है, आप वीडियो बंद करो। शालिल भाई बहुत अच्छा, ये देखे पूरी थाल लेके बैठे हैं अपने सामने। खत्म ना, फिर भाई का देखो अभी भी लगा पड़ा, इसका पेट नहीं भरता। रमजान की अफ्तारी में अली भाई नहीं उठ रहा था, अभी ये नहीं उठ रहा। गाइस आप देख सकते हैं, दिखाओ तो, पहले बहुत कुछ था अभी कुछ भी नहीं है। कैसे हैवान यहाँ बैठे हैं भाई? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप खाना खाए गाय अली ने ना जितनी बोटियाँ सारी रेशे बना बनाए खाया, जितने चावल नहीं थे उतने रेशे बनाए खाया। दो बोटियाँ थी दो ही खाई है, कोई 10-12 थोड़ी थी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें और इन बेचारों को भी लाइक कर दें। मेरा चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब करें, स्केचिंग विद एन। शादी भाई आप शादी भाई क्या? तो गाइस अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।